बैक टू माई नीनूज किचन। आज हम बनाएंगे छोले की सब्जी और अमृतसरी नान। इसके लिए मैंने सबसे पहले छोले ये लिए हैं, रात भर सोख करके रखे थे और इनको अब मैं कुकर में शिफ्ट कर दिया है मैंने। और इसी में मैं ये एक आलू कटा हुआ डालूंगी और इसी के साथ ये प्याज डालूंगी। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज नहीं भी डालिए, मगर आलू ज़रूर ऐड कर एक बार बनाइए। बहुत ही टेस्टी छोले बनते हैं और गाढ़े भी होते हैं। ये इधर मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, 2-3 काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची, दालचीनी और ये तेजपात के पत्ते। इसी में मैं काला नमक और सादा नमक ऐड करूंगी थोड़ा सा। ये सादा नमक है, काला नमक भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, इससे भी स्वाद कुछ अलग ही हो जाता है। और थोड़ा सा हम मीठा सोडा खाने वाला वो ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे, आंवला ले रखा है। अगर आपके पास हरा आंवला नहीं है तो आप आंवले को सुखा के और रख सकते हैं, इससे ब्लैक कलर आता है। इधर मैं कट करके इस आंवले को भी डाल रही हूँ, आधा आंवला डाल दिया है मैंने इसमें, ये भी डाल रही हूँ, इससे छोले में ब्लैक कलर आ जाता है। पानी जितने छोले हैं उससे थोड़ा ऊपर तक, ताकि छोले भीग जाएं। और अब हम इसमें 5-6 विसल लगाएंगे। इधर मैं अमृतसरी नान बनाने के लिए ये मैंने मैदा लिया और मैदे को मैं एक बर्तन में डाल रही हूँ। यहाँ मुझे 6-7 नान बनानी है तो इसके लिए मैं ये आधा पैकेट से भी कम लिया है मैंने। इसी में मैं ये बेकिंग पाउडर आता है वो आधा से भी कम, इतना करीब ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा नमक ऐड करूँगी इसमें। अब इसे हम थोड़ा सा इसमें रिफाइंड भी ऐड कर दूंगी। इसको हम दही से लगाएंगे। इसको सॉफ्ट गूंदेंगे। ये मैदा मलकर तैयार हो गई। ये ना ज़्यादा हमें पतली करनी है और ना ही ज़्यादा टाइट मारनी है, क्योंकि हमें इसे कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ना है। इसमें मैं थोड़ी सी, बहुत ज़रा सी, इतनी देखिए आप, चीनी ऐड करूँगी। और इसको भी फिर हाथ से मल के इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छे से। थोड़ा सा हम इसमें घी का हाथ लगाएंगे। और एक स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर देंगे और इसको हम ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। छोलों के लिए मैंने मसाला अपने आप ही रेडी करा है और बस मैं इसमें अलग से हल्दी डालूंगी और मिर्ची डालूंगी, बाकी मैं यही मसाला डालूंगी इसमें।
ये आप देख रहे हैं मैंने तेजपात के पत्ते लिए हैं और इनको भी मैंने भूना है थोड़ा सा। ये लौंगे लिए हैं इनको भी भूना है। ये काली मिर्च है, दालचीनी और बड़ी इलायची है। ये इधर इधर सूखा धनिया लिया है उसको भी मैंने भूना है और इसको भी मैं मिक्सी जार में पीसूंगी। और इधर जीरा है इसको भी भूना है। इन सभी चीज़ों को मैं एक मिक्सी जार में शिफ्ट कर दूंगी। और सूखा इसका पेस्ट तैयार करूंगी। इसको मैंने मिक्सी जार में शिफ्ट कर लिया है और इसका एक पाउडर बनाऊंगी मैं। ये छोले बॉइल्ड हो चुके हैं और इधर मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें चॉप करी हुई ये दो प्याज डाल रही हूँ। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज मत डालिए और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये गोल्डन ब्राउन प्याज हो गई है। इसी में मैं ये कसूरी मेथी भी ऐड कर दूंगी। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये इस तरह से भून गया है। इसी में जो मैंने ये मसाला आपको दिखाया था खड़ा मसाला, सारा सूखा धनिया जो भून के मैंने पीसा था और जीरा वगैरह सारी खड़े मसाले, वो मैं मसाला ऐड करूँगी इसमें। इसी में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हमें थोड़े ज़्यादा येलो कलर के छोले नहीं बनाने हैं तो इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी थोड़ी सी। धनिया मैंने पहले ही ऐड कर चुकी हूँ इसमें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी सी मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। वैसे तो गरम मसाला बहुत सारा है इसमें, थोड़ा सा ही गरम लाल मिर्च डालिए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हींग डालूंगी इसमें ताकि हमारे छोले खाएं तो हाजमा अच्छे से हो जाए। इसी में मैं थोड़ा सा काला नमक मैंने उबालने में डाल दिया था बट अभी भी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा सादा नमक। अब ये चॉप करे हुए टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे भी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। इसी में अमचूर पाउडर भी डालना है मुझे। ये अमचूर पाउडर डाल लेंगे मैं इसमें। और इस मसाले को भूनते रहना है। मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने ये बॉइल करे हुए छोले थे इनको डालना है। और थोड़ी देर सिम गैस पे पकाना है इनको। स्टफिंग के लिए मैंने नान में स्टफिंग जो करेंगे उसके लिए मैंने ये दो आलू लिए हैं और इसी में मैं ये चॉप करी हुई प्याज ऐड करूँगी। ये मैंने जीरा पाउडर लिया है, ये अमचूर पाउडर है, ये सौंफ है, इधर हरी मिर्च, हरा धनिया, ये अदरक है और नींबू है। अब मैं सबसे पहले आलू को मैश करूँगी और इसी के अंदर मैं ये प्याज ऐड करूंगी। इसी में हरी मिर्च, सौंफ कुटी हुई, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक,
और ये जो मैंने इधर मसाला पीसा था छोलों में डालने के लिए, आप मेरी जब छोले देखेंगे तो उसमें मैंने एक मसाला पीसा था उसी को मैंने ये मोटा रखा है थोड़ा सा, और ये भी मैं ऐड करूँगी इसमें। अच्छे से मिलाऊंगी। इसी में थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक जो हम डेली में यूज करते हैं, और हरा धनिया। इसी में ये मैं आधा नींबू जो मैंने लिया है इसको भी ऐड करूंगी। स्टफिंग को मैं जो मैंने मैदा मारी है उसमें मैं स्टफ करूंगी लोई बनाकर। ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। इसी में मैं थोड़ी सी अजवाइन भी डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इधर मेरी ये मैदा तैयार हो गई है। मैदा बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसके पेड़ा बना के और इसको बेल रही हूँ। इसको हम आधा सा बेलेंगे पहले, और इसमें फिर मैं एक बटर की लेयर लगाऊंगी। फिर आधा फोल्ड कर दूंगी। इसके बाद फिर एक कसूरी मेथी की लेयर लगाऊंगी, और फिर इसको इस तरह से फिर फोल्ड कर दूंगी। अब इसको गोल फिर पेड़ा बना लूंगी सूखी मैदा नीचे लगाकर। फिर इसको बेलूंगी मैं, इससे बहुत सॉफ्ट बनेगी नान। इस तरह से बेलूंगी। जो मैंने स्टफिंग तैयार करी थी ये स्टफिंग को मैं इसमें भरूंगी। हमारी स्टफिंग निकले ना, इसके लिए मैं इसको दबा दूंगी। और अब फिर बेलूंगी। और अगर आपके पास तिल हैं तो आप तिल लगा दीजिए या कलौंजी लगा दीजिए, जो भी आपके पास है। मेरे पास इस टाइम तिल है तो मैं यहाँ पे तिल लगा रही हूँ। और अब इसको मैं OTG में सेकूंगी। अगर OTG नहीं है तो आप तवे पर भी इसको उल्टा करके और इस पर पानी लगा के साइड और डालेंगे और फिर तवे पर सेक सकते हैं। पानी लगाऊंगी। ताकि हमारे तवे पर चिपक जाए। तवे में जब इस तरफ से ये ब्राउन हो जाएगी तब मैं तवे को पलटकर सेकूंगी। इस तरफ से ये सिक गई है, अब मैं इसको पलटकर तवे पर सेकूंगी। अमृतसरी नान जो मैंने ओटी में बनाई थी वो ये है, और ये मैंने तवे पर बनाई थी वो है। इधर छोले हैं और ये रायता, इनको सर्व करिए आप लंच में।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।